उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए एरोनोटिकल्स इंजीनियरिंग या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में तो एंड तक बने रहिएगा हर हाँ टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और हाँ डिटेल में हम चेक कर लेंगे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको डेली दो वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रहे शुरुआत कर लेती हूँ मैं कंपनी की प्रोफाइल के साथ हाल ही में वैसे इसी सेम कंपनी की दो जॉब रोल्स और आई थी कुछ दिन पहले ही शायद दो तीन दिन पहले की बात है और अभी फिर से आई है तो ये मौका क्रैप कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें तो बेसिकली यू ऑल नो दैट जनपैक्ट हेल्प अदर बिजनेस टू तो वर्क बेटर थ्रू इनोवेशन वर्क एनएबल कंपनीज इनके ग्लोबल पार्टनर्स हैं जैसे एब्सेंट हो गया ऑटोमेशन एनीवेयर ब्लैक लाइन ब्लू प्रिज डेटा और डिजिटल वर्कस में भी इनकी सर्विसेज हैं ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे इम्पैक्ट ना हो इनका इन्वॉल्वमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन कस्टमर केयर एंड अकाउंटिंग रिस्क मैनेजमेंट सेल्स एंड कमर्शियल सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट सस्टेनेबिलिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस डेटा एनालिटिक्स और भी बहुत सारे सेक्टर्स में है तो आप इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अप्लाई भी जरूर करना है तो पहली जॉब रोल है प्रोसेस एसोसिएट की बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स डिपार्टमेंट में दूसरी है बिजनेस अनालस की जो रिमोट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में है तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं तो पहले हम बात करते हैं प्रोसेस एसोसिएट की अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप का एक्सपीरियंस मैक्सिमम फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने कंसीडर किया है इससे कम भी होगा तो भी कंसिडरेबल है बिजनेस एनालिसिस के रोल के लिए आपकी बैचलर्स डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस से होनी चाहिए और अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस है इंजन हेल्थ मॉनिटरिंग ई में या ट्रेन इंटरप्रिटेशन में तो आपको प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी दोनों ही जॉब रोल्स वर्क फ्रॉम होम है सैलरी वैरी करेगी थ्री एल से लेकर सेवन एल तक प्रोसेस एसोसिएट की जो सैलरी है वो थ्री एल तक रहेगी और बिजनेस एनालिसिस्ट की जो सैलरी है वो सेवन एल तक रहेगी तो ये अलग अलग पोजिशन uh, के हिसाब से सैलरी वैरी है और आपको इसके बारे में और डिटेल सेलेक्शन के बाद पता चल जाएगा तो ये एक एवरेज सैलरी है आपको एच क्लियर गाइड कर देंगे और रही बात जॉब रोल की तो अगर मैं प्रोसेस एसोसिएट की बात करूं तो ये जॉब रोल होता है जो मॉनिटरिंग और प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट देखते हैं प्रोसेस एसोसिएट की वो बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स में ही होगा और क्योंकि इन्होंने डिपार्टमेंट भी मेंशन कर रखा है और अगर मैं बात करूं कि बिजनेस एनालिसिस रिमोट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक की तो ये जॉब रोल जो होता है वो ये भी बेसिकली मॉनिटरिंग और एक्सेसिंग का काम होगा किसी प्रकार की कोई इंजन फेलियर और उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है तो ये यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस का जॉब रोल होगा तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की बिजनेस एनालिसिस के जो जॉब रोल है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन मतलब इसकी रोटेशन शिफ्ट रहेगी आप ट्वेंटी फोर सेवन किसी भी टाइम आप अपना शिफ्ट चेंज कर सकते हैं प्रेफरेंस आपको दी जाएगी इसमें बाकी इसमें मैंने यहाँ पर अपडेट सेम ही चीज़ अपडेट किया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्किल्स आप यहाँ से उठा सकते हैं और अपने में रख सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को क्वेरी के लिए आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा हम जरूर रिस्पॉन्स करेंगे और आप हमारी ई मेल में भी हो सकते हैं. में आपको मिल जाएगी वहां जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी जल्द से जल्द अप्लाई कर सके बिकॉज रोल्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वेरी बेस्ट विद एप्लीकेशन बाय